अजीत वैब टीवी की टीम वालों आप जी का स्वागत है। अज असी पहुंचे हैं बंगा दे सिविल हस्पताल विखे, जिथे आशा वर्करां वालों मरीजां नूं खजल खुआर करन दे दोष दे तहत SMO बंगा दे खिलाफ जिहड़ा धरना लगाया जा रहा है। और इस धरने दे विच आशा वर्करां वालों सरकार दे खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, तो आशा वर्करां वालों दोष राज लाए जा रहे हैं एक नीलम कुमारी आशा वर्कर दे उत्ते। उस संबंधी असी गलबात करते हाँ, तो थानू दसणगे कि पूरा मामला है का की है। हाँ जी, हाँ जी सर। सर परसों रात एक केस आया सी, डिलीवरी केस। जिहड़ा डिलीवरी केस आया, पहला इन्हां ने हॉस्पिटल वालियां ने केस रैफर कर दिता। उस तो बाद एक आशा वर्कर आंदी आ नीलम राणी, जिहदे कहण ते इन्हां ने मुड़ के जिहड़ा केस आ मुड़ के अंदर एडमिट कर लिया, तो उहदी डिलीवरी कर दित्ती। तो जिहड़ी आशा वर्कर नीलम राणी है, बहुत ज़्यादा मरीजों नूं खज्जल खराब करती है। जदों भी मरीज इत्थे कोई आंदा आ उहदा नंबर लै लैंदी आ, तो उस तो बाद उन्हां दे नाल टच विच रहिंदी आ। जदकि जिहदा केस हुंदा उहनूं पता भी नहीं हुंदा हैगा वी इह की कर रही है की नहीं कर रही है, तो लोकां कोलों इह पैसे बटोरदी है। दो दो तीन तीन हज़ार रुपया भी इह जिहड़े लोकां कोलों इह लै लैंदी आ बड़े आराम दे नाल। इस तरह इन्होंने दस्सिया कि आशा वर्कर वालों मरीजां नूं खज्जल खुआर किया जा रहा, तो उन्हां दे उत्ते दोष लाया कि वह पैसे भी लै रहे। होर भी थोड़े गलबात। हाँ जी सर, जिदा कि जदों डिलीवरी केस अंदर हुंदा है ऑपरेशन थिएटर दे विच आम कोई आशा वर्कर नहीं जा सकती, ना किसी नूं अलाउड करदे आ, पर ये नीलम राणी जिहड़ा है ये ऑपरेशन थिएटर तक भी अंदर जाती है। तो पेशेंट जदों बच्चा अंदर आप बाहर देण आउंदी आ, तो नाल दी नाल उन्हां तों 1,000, 1,500, 2,000 रुपये बच्चा फड़ाउण वेले ही उन्हां कोलों ये लै लैंदी है। सेहत अधिकारी नहीं थोड़ी इस संबंधी सुनदे? सेहत अधिकारियों नूं बार बार असीं दस चुके हैं मैडम, पहला इत्थे SMO कविता हुंदे सीगे, मैडम हुण रिटायर हो चुके, उन्होंने भी दस्या, SMO सुजो नूं भी दस्या, असीं बार बार सारयां नूं दस रहे हैं, पर किसे वल्लों कोई भी सुनवाई नहीं हो रही साडी। इस तरह जी सर, जी सर, ये सर सुजो का केस सीगा जी, मंजू बल, मंजू मंजू, हाँ जी, ये परसों रात की गल है, डिलीवरी कल सवेरे 6 बजे हुई है जी। ये आशा वर्कर कोई नहीं सी लैके, ये मेरा ही केस सीगा। अच्छा, ते पर मैं नहीं सी ना रात नूं आ पाई, क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ पाई सीगी, ते पर ये नीलम राणी ने वो केस जिहड़ा सीगा वो करवाया। हाँ जी, इस संबंधी असी होर अधिकारियों नाल गलबात करदे आं, ते वो की कहना चाहुंदे ने इस संबंधी पेशेंट। इस तरह दे नाल साडे कोल एमरजेंसी टाइम च शनिवार शाम नूं आया सीगा, उस वेले पेशेंट बच्चे दा टाइम घट होण करके पेशेंट नूं रैफर किया गया सी, क्योंकि टाइम पूरा नहीं सी, 8वां महीना चलता सी। लेकिन बाद विच मैनूं किसी आशा वर्कर दा फोन आंदा, उन्हें मैनूं याद कराया कि पेशेंट मैडम तुसीं अज देखिया आ इह कि इहदा टाइम इदां नहीं है, पूरा टाइम है इहदा। तो यह सोच के कि चलो पेशेंट की भलाई है, असी किसी क्यों भेजना, असी डिलीवर करा दें, इस करके मैं पेशेंट को दोबारा एडमिट कर लिया। ये किसी का कोई नुकसान नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, माँ बिल्कुल ठीक ठाक है, रौला किस गल का है? मैं ये नहीं समझ आ रही किस गल का रौला पा रहे हो, किसी बच्चे का नुकसान होया, कोई माँ का नुकसान होया, किस गल का, किस गल का धरना लगाया? मैं ये नहीं समझ आ रही है। असी तो पेशेंट, असी तो लोक हित दे विच कि पेशेंट नूं क्यों कितें भेजना है, असी अपने कोल लागे डिलीवरी करा लेंगे, इस करके मैं दोबारा एडमिट करवा लिया। ये कुछ गल किसी डॉक्टर की या किसी स्टाफ की कोई गलती नहीं है। मैं डॉक्टर रितिका, गायनोकोलॉजी सिविल हॉस्पिटल बंगा। मैं हरमिंदर कौर नर्सिंग सिस्टर हूँ इतने, तो जे मैं उन्होंने गल की बहुत उन्होंने मैं गलत वे ना किया, क्योंकि मैं एमरजेंसी का दरवाजा लगवाता, क्योंकि पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे थे, उन्होंने गुस्सा चढ़िया कि इन्हें एमरजेंसी का दरवाजा क्यों लगवा दिता, क्योंकि बिल्कुल एमरजेंसी के अंदर बैठे हुए थे। तो मैंने मैं क्या भी इदा पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा, क्योंकि जेडे एमरजेंसी वाले डॉक्टर वो भी कह रहे थे भी सिस्टर जी इन्हों हटवाओ भी ये कि मतलब कि आप पेशेंट प्रॉब्लम आती। मैं दरवाजा तो वो कहें भी ए मैं उन्होंने गुरबाज को पूछना ही, यदा मैं नाम दसो, यदि डेजिग्नेशन दसो, ये कौन आ मैं इदा, वो खुद इन्ना गलत बोल रही है। फिर मैं सर नाल गल की, सर कहते भी नाम पता करके तो दसो मैं भी ये क्यों इदा रूड बोलती हैगी। सारे कहती मैं सारे धरना, धरना किस चीज़ का, कोई गल भी नहीं, कोई बात भी नहीं, धरना किस चीज़ का दे रहे हैं, बिल्कुल बेसलैस धरना दे रहे हैं। फिर तुहानू भी बुलाया भी दसो ये गलत काम तुसी आप कर दे, नवी सरकार बनी हुई है तो तुसी की शो करना चाहते हो इत्थे, मैनू तो ये नहीं समझ आ रही है। सारा कुछ सही होया, पेशेंट भी, बच्चा भी ठीक है, पेशेंट भी ठीक है, पेशेंट नू भी कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, तो इन्हों की प्रॉब्लम आ भी ये क्यों चाहते कि यदा मतलब कि केस रैफर हो गया तो वो करो ही ना इतने, फिर यदा मतलब कि रैफर कितने प्राइवेट करोगे तुम, जे रैफर हो गया तो साडा की कसूर, असी तो सगों लै लिया केस नू,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਫਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਫੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਜੂ ਦੇਵੀ ਮੰਜੂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਓ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੰਗੀ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਦੋ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਟਬੀਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਓ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾਓ ਮੈਂ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਜੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਨੀ ਹੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹਲੇ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਜੀ ਗਲਤ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਇਹ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।